एवरीवन, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल कैरे कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग दो कॉलेज के ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हो उन दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलेज में दो कॉलेज यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ वो ग्रेटर नोएडा के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में काउंट होते हैं। इवन आप AKTU के अंदर भी उनको टॉप 10 में, टॉप 5 में काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ GL बजाज, ठीक है, GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि है ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा जो अपना GCET गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं गलगोटिया कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेके, ठीक है, तो वो अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को GL बजाज की ईजिली वेबसाइट अवेलेबल है, बट अगर आप गलगोटिया के लिए आप सर्च करते हो तो आप गलगोटिया की यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। तो इसके लिए मैंने जो है कॉलेज दुनिया की हेल्प ली है, क्योंकि मेरे को इनकी जेन्युइन वेबसाइट GCET की जो पहले खुलती थी अभी वो खुल नहीं रही है। तो इन चीज़ों में काफ़ी लोगों को डाउट होता है, फिर भी मैं जेन्युइन कंपैरिजन कर देता हूँ क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है, लगातार मैं 4 सालों से काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, इन कॉलेज में काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि गलगोटिया में हैं, GL बजाज में हैं, इवन मैं खुद इन कॉलेज से ही बिलोंग करता हूँ, तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको डाउट्स है कि आप, अगर हम एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करें तो ऑलरेडी इन कॉलेज ने एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही आपके 12 CBSE बोर्ड्स के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है। अपार्ट फ्रॉम डैट, दोनों में ही ऑप्शन है कि आप CSE में मल्टीपल ऑप्शंस इन्होंने लास्ट ईयर ही ऐड किया था, CSE विथ AI, CSE विथ ML, डाटा साइंस, तो ये सारे ही ऑप्शंस इन दोनों कॉलेज में हैं जो इन्होंने ऐड किए हैं लास्ट ईयर, जो कि AKTU में लगभग जितने भी कॉलेज आते हैं वहाँ पे ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे ये वीडियोस उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिनको इन कॉलेज में CSE, IT ऐसे ब्रांचेस इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनको हेप्टी अमाउंट में डोनेशन देने को कहा जा रहा है। तो उनके लिए मैं एक कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस जो मैं आप सबके डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग से कैसे आप इन कॉलेज की सीटों को ले सकते हो बड़े इजीली, अगर आपका JEE का परसेंटाइल लो भी है तब भी आप कैसे इनको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं उसमें पूरी काउंसलिंग गाइडेंस में पूरी हेल्प करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, अभी हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, ठीक है, अननेसेसरी वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करना। अगर हम कंपैरिजन की बात करें यार, तो GCET जो गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वो उसका नाम जो है बहुत पुराना है, ठीक है। कभी ये कॉलेज नंबर 1 पे आता था प्राइवेट कॉलेज के अंदर UPTU में, AKTU में, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो फॉर्मली उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, तो नंबर 1 पे ये स्टैंड करता था प्राइवेट कॉलेज के अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम डैट, इसमें दो चीज़ें हुई, यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ गई तो उसमें इसकी रैंकिंग थोड़ी कम होती रही। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको गलगोटिया कॉलेज चूज़ करना है या गलगोटिया यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, दोनों में ही प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट ये आपको अपने बेसिस पे देखना है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट एडमिशन भी कंडक्ट करती है, उनका अपना खुद का अलग एग्ज़ाम है, वो AKTU से बिल्कुल भी एफिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करूँ यार, तो दोनों में काफ़ी गजब के प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैं। इवन GL बजाज की बात करें तो यार काफ़ी बच्चे इसमें, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे प्लेस होते हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक बच्चे के पास दो तीन ऑफर होते हैं। वहीं गलगोटिया की बात करें तो उस गलगोटिया कॉलेज के अंदर भी काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट अच्छी कंपनीज काफ़ी सारी आती हैं, और CSE, IT ऐसी ब्रांचों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऐसे ब्रांचों में प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, आप GCET को वेबसाइट को नहीं देख पा रहे होंगे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है, मैं आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं दिखाने वाला। तो यार अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्टिव में कंपैरिजन करें तो GL बजाज का जो फी स्ट्रक्चर है वो अराउंड 1,60,000 के नियर बाई है, मतलब आपको 1,60,000 पे करना पड़ेगा, 1,56,650 इनका फ़ी है, और ड्रेस के चार्जेस इंक्लूडेड हैं इसमें, तो आप मान के चलो कि 1,50,000 फर्स्ट ईयर में 1,65,000 के आसपास ये पड़ता है, सेकेंड ईयर से थोड़ा सा लेस होता है। वहीं गलगोटिया की बात करें तो 1,45,000 के आसपास इनका फ़ी स्ट्रक्चर है। तो फ़ी स्ट्रक्चर में GL बजाज ऊपर है, गलगोटिया नीचे है। काउंसलिंग प्रोसेस में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो अपना गलगोटिया कट ऑफ है वो GL बजाज के कंपैरिजन में हाई जाता है। ऐसा इसलिए जाता है कि बहुत सारे लोगों को GL बजाज का आइडिया नहीं है, उनके कैंपस प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है। हालांकि अभी जो रीसेंट सिनेरियो में बात करें तो GL बजाज जो है गलगोटिया कॉलेज से ऊपर लाइक करता है, नंबर 1 के स्टैंड पे, पोजिशन पे आप कह सकते हो ग्रेटर नोएडा में इस समय, इसको हम कह सकते हैं।
प्लेसमेंट के बेसिस पे और अदर जितने फैक्टर हैं उन सबको अगर इंक्लूड कर दें तो उन सभी के बेसिस पे ही मोटा मोटा कंक्लूजन ये है कि वो सारे बच्चे जो कि यार इन कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हैप्टी अमाउंट डोनेशन के नाम पे लिया जा रहा है उनको CSE IIT के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए यार ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है। आप लोग क्या करोगे यार, आप मेरी काउंसलिंग में आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं आपको एश्योर कर दूं कि आपकी रैंक भले ही ज़्यादा हो बट मैं अपने प्रीवियस 4 ईयर्स के काउंसलिंग प्रोसेस की हेल्प से मैं बताता हूँ कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा, जिनकी हाई रैंक थी, काफ़ी ऊपर रैंक थी, मतलब इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा रैंक काफ़ी ज़्यादा आई थी, ज़्यादा इन द सेंस एक दो नहीं यार, वो ज़्यादा का मतलब मैं वो वाला ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंक आई थी फिर भी उनको अच्छे कॉलेज अलॉट हो गए, ठीक है, रैंक के कमीजन में लो रैंक कहना चाहिए, काफ़ी लो आई थी तो तब भी उनको वो कॉलेज अलॉट हुए, चाहे JSS हो गया, गलगोटिया हो गया, GL बजाज हो गया, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद हो गया, तो इन सब में ही मैं हेल्प करता हूँ लगातार। मैं वीडियोज़ अब रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, आप सभी को पूरी अपडेट मिलेगी। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन आप सभी को लगभग बता दिया कि इन दोनों कॉलेज में ये कंपैरिजन है। अगर आप चूज़ करने के ऊपर जाए तो आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख करके GCET गलगुटिया कॉलेज की तरफ जा सकते हो, बट आप रिसेंट सिनेरियो का अगर आप देखो, लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर आप ट्रेंड देखो तो मैं GL बजाज को ऊपर मानूंगा। और ये कट ऑफ में भी दिख रहा है कि GL बजाज लगातार GL बजाज का कट ऑफ हाई जा रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स से। अगर हम CSE की बात करें, देखिए डायरेक्ट में CSE GL बजाज में ही पॉसिबल मुश्किल है और गलगोटिया में भी मुश्किल है, दोनों में ही अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको हैप्टी अमाउंट में डोनेशन देना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर लोकेशन वाइज बात करें यार, तो दोनों ही कॉलेज आसपास में ही स्टैब्लिश हैं, दोनों नॉलेज पार्क 2 नॉलेज पार्क 3 में स्टैब्लिश हैं जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। प्लेसन अगर हम प्लेस वाइज बात करें तो काफ़ी अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स की वहाँ पे उनका रिव्यू जाने तो काफ़ी ठीक ठाक लोकेशन है और सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक हैं, उनका रिव्यू भी अच्छा आता है इन कॉलेज के ऊपर। प्लेसमेंट सिनेरियो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑलमोस्ट CSE में 100% तक प्लेसमेंट है, बिल्कुल दोनों ही कॉलेज में ऑलमोस्ट 100% तक प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज बात करें तो GL बजाज का अराउंड 31 लाख जो गूगल ने ऑफर किया था, अराउंड ये सारी कंपनीज कॉग्निजन कैपजेमिनी TCS मास रिक्रूटर जहाँ पे बल्क में बच्चे प्लेस हुए हैं। वहाँ अगर गलगुटिया की बात करी जाए तो वहाँ पे भी सेम नहीं बच्चे प्लेज हैं, लगभग ऑलमोस्ट 80-90 से 100% वहाँ पे भी बच्चे प्लेज हैं CSE में, क्योंकि वहाँ भी मास रिक्रूटर्स ये सारी कंपनीज आती हैं, ऑलमोस्ट एक्सेंचर TCS ये सब उसमें आती हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बनाने का मोटिव समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में मेरी फर्दर पर्सनल गाइडेंस की नीड है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। पर्सनल गाइडेंस मेरी पेड है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके उसको देख सकते हो। वहाँ पे लिंक के नीचे मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं पूरे ही काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करता रहूँगा जब तक कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, आप बल्क में उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारी ही चीज़ों को डिस्कस करता हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स आपके होने चाहिए, ठीक है, तो वो टेलीग्राम के चैनल भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जिन बच्चों ने JEE के अटैम्प्ट दिए हैं उनकी परसेंटाइल भले ही लो हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप काउंसलिंग को बहुत अच्छे से फॉलो करो, काउंसलिंग को पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, आपको कॉलेज जरूर अलॉट होंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके क्यूरीज हैं, छोटे मोटे डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। जो ये चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस पूरे UPSET प्रोसेस के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश UPSEE, अब तो UPSEE है, UPSET एक अलग एग्जाम है, तो अगर आप पूरा प्रोसेस के लिए काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हो तो भी आप उस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो जो कि पेड है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आई होप गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी कॉलेज के बारे में रिव्यू जानना है तो आप कमेंट में उसका कमेंट कर सकते हो।